सबसे पहले हम ये लेते हैं व्हाट इज ए वेव. वेव इज ए डिस्टरबेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. फिर से एक पोजीशन पर हमारे पास एनर्जी है, किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स और मे बी पोटेंशियल एनर्जी विच इज लाइबल टू बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. कर सकते हैं हम वाइब्रेशन से. ओके, वो एनर्जी उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हमने ले जानी है. कैसे ले जाएंगे? यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहे हैं, ये डिस्टरबेंस यहाँ क्रिएट होते हैं, ये अपने आप को यहाँ क्रिएट करते हैं, फिर ये यहाँ क्रिएट होते हैं और फिर ये यहाँ क्रिएट होते हैं. तो हम ये कहते हैं कि इस डिस्टरबेंस की एनर्जी यहाँ चली गई. डिस्टरबेंस में क्या होता है? वेरिएशन, डिस्प्लेसमेंट, वेरिएशंस. ये वेरिएशन में एनर्जी होती है. जो भी फॉर्मेट ऑफ एनर्जी होता है वो होती है. इट मे बी पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी काइनेटिक एनर्जी, इट मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट मे बी मैग्नेटिक एनर्जी, इट मे बी ग्रेविटेशनल एनर्जी. ये एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा सकती है, लेकिन जाने के लिए क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस. तो यहां हमने देखा क्या क्या चीजों पर मैं बात कर रहा हूं. टू लोकेशंस, एनर्जी, मोशन, एनर्जी का मूवमेंट. और ये जो एनर्जी का मूवमेंट होता है इसका मीडियम क्या है? डिस्टरबेंस. और इस डिस्टरबेंस को और हम क्लियर करते हैं, दिस इज ऑसिलेशन. एग्जाम्पल देखिए, मैं तालाब में घुस गया एक दो मीटर, वहां का जो पानी है मुझे कोई हिट नहीं कर रहा है, मुझे आकर धक्का नहीं मारता है किसी भी तरफ से, उसके पास एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी. लेकिन जब मैं समुद्र में जाके एक दो मीटर अंदर घुसता हूं तो क्या देखता हूं? थोड़ी थोड़ी देर में एक लहर आती है और वो मुझे हिट करती है, उसके पास एनर्जी है. उसके पास एनर्जी है, तालाब वाले पानी के पास एनर्जी नहीं है. क्यों? क्योंकि तालाब के पानी में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है. और जो समुद्र का पानी है वो ऑसिलेट करता है अपनी जगह पर, ऑसिलेट करता है, उसके पास एनर्जी है. वो ऑसिलेशन दूर कहीं हो रहा है, वहां से वो आगे बढ़ता है, फिर उससे और आगे बढ़ता है और मेरे को दिखता है कि वो लहर आ रही है. ऑसिलेशन का पीक दिखता है, फिर वो पीक और आगे आता है, फिर वो पीक और आगे आता है और आकर मेरे को हिट करता है. इसका मतलब वो क्या चीज आई है? डिस्टर्बेंस. और वो डिस्टर्बेंस क्या है? पानी का ऑसिलेशन ऊपर नीचे. तो ये ऑसिलेशन एक लोकेशन से चला दूसरी लोकेशन तक आया, क्या लेकर आया? एनर्जी. तो उसने जो पैटर्न बनाया, जो डिजाइन बनाया, उसको हम बोलते हैं वेव. सो व्हाट इज वेव? वेव इज ए पैटर्न, इट्स ए डिजाइन इन विच द एनर्जी इज कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन बाय हेल्प ऑफ ऑसिलेशंस. ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स्ड अप हो गई हैं. ये एक और चीज हो गई. तो अगर हम इन सब को मिला देंगे, दैट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वेव.
ये ओके। हमारी लाइफ में हमने ऐसे ऑसिलेशंस को एनर्जी कैरी करते हुए देखा है। अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, समुद्र में लहरें उठती हैं, उसमें कौन वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कौन कर रहा है, वाटर पार्टिकल्स, वो आकर हमको एक जगह पर बनते हैं और वहां से लहर चलते चलते आकर हमको हिट करती है। दूसरा, जब मैं बोलता हूं तो मेरे गले के लैरिंग्स जो है ये वाइब्रेट करते हैं और इसके साथ इसके कॉन्टेक्ट में जो एयर पार्टिकल्स हैं उसमें ऑसिलेशन पैदा करते हैं। द एयर, यहाँ की हवा बहुत शांत है, जब ये ऑसिलेट करते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है और वो डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन आगे बढ़ते जाता है, वो एक पैटर्न बनाता है। ऑसिलेशन ऐसा बढ़ते 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 आपके कान के पर्दे में आता है और कान के पर्दे को हिलाता है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या हुआ, द एनर्जी इज कैरीड फ्रॉम दिस लोकेशन टू दैट लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो वो जो उसका पैटर्न बनता है हिलाने का, वो पैटर्न, वो डिजाइन क्या कहलाएगा, वेव। सो दैट इज वेव, और ये वाली वेव का हमने नाम रखा साउंड वेव, पानी वाली वेव का नाम रखा वॉटर वेव। जहां कहीं डिस्टर्बेंस होगा जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक एनर्जी लेके जाएगा, दैट विल बी वेव। और जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा दैट विल डिसाइड नॉमेनक्लेचर ऑफ द वेव। अगर पानी ऑसिलेट कर रहा है तो वाटर वेव, एयर ऑसिलेट कर रही है तो साउंड वेव। एक स्टेडियम में बहुत सारे आदमी बैठे हैं, एक तरफ के आदमी हो करके खड़े होते हैं, बैठते हैं, फिर बाजू वाले खड़े होते हैं, फिर तीसरे खड़े होते हैं, चौथे खड़े होते हैं, दैट इज पीपल्स वे। इस तरह से एक और वेव होती है, उस वेव में हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसा बनाया कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कम कर दिया, स्ट्रेंथ 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग बनाया और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर कम कर दिया, फिर उसको बढ़ाया, फिर कम कर दिया, फिर उसको बढ़ाया, फिर कम कर दिया। व्हाट इज दैट, डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर वो डिस्टर्बेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चल के यहां चला जाए, फिर यहां से चल के यहां चला जाए, फिर यहां से चल के यहां चला जाए और लास्ट में जाके एक एंटीना से टकराएगा, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसके सब इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेंगे, 0 वोल्ट में यहां, हाई वोल्ट में यहां, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन का दौड़ना क्या चाहता है, व्हाट डज इट नीड, इट नीड्स एनर्जी। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दैट इंडिकेट्स देयर इज एनर्जी। वो एनर्जी हमने यहां पैदा की थी जो यहां पहुंच गई। तो इसका जो पैटर्न बना होगा वो किसने बनाया, ऑसिलेशंस, डिस्टर्बेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हुए और वो यहां से चलकर यहां तक पहुंच गए, दैट विल बी नोन एज ए वेव। वेव कंसिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से वेव्स बनती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव बनती है, दिस इज ए पार्ट ऑफ लाइट वेव। जो हम लाइट देखते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस होते हैं एंड द एनर्जी इज कैरीड बाय इट। तो इस तरह से इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, देर आर पार्टिकल्स, देर आर टाइप ऑफ एनर्जीज विच कीप ऑन वाइब्रेटिंग, ऑसिलेटिंग, और ये डिस्टर्बेंस दिस इज कैरीड ओवर, दैट मेक्स द वेव। तो बेसिकली हमने वेव के कैटेगराइजेशन किए हुए हैं, एक ऐसी वेव जो मटेरियल के पार्टिकल से बनती है, दैट इज नोन एज मटेरियल वेव, लाइक वाटर वेव एंड साउंड वेव। इसको चलने के लिए मटेरियल रास्ते भी चाहिए। साउंड वेव एयर में चलती है, यहां के एयर के पार्टिकल को हिलाया
उसने अपने पड़ोस वाले नेक्स्ट नेबर के पार्टिकल को हिलाया, इसने नेक्स्ट नेबर के पार्टिकल को हिलाया, ये नेक्स्ट एयर नहीं है। अगर एयर नहीं है नेक्स्ट तो ये नहीं हिलाएगी, नहीं हिलाएगी, वेव इज फिनिश्ड। दैट मीन्स दिस वेव नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। ये कौन सी होती है? मटेरियल वेव विच नीड्स मटेरियल टू ट्रेवल, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड अदर मटेरियल वेव्स। देयर आर अदर वेव्स विच डू नॉट नीड मटेरियल टू ट्रेवल एंड दोज आर मेड ऑफ एनर्जी, दोज आर मेड ऑफ फील्ड। नॉट ओनली एनर्जी तो हर वेव में होती है, दोज आर मेड ऑफ फील्ड एंड दैट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी तक ये हमने तीन फील्ड स्टडी किए। इस फील्ड के वेरिएशंस अगर मूव करते हैं, दे डू नॉट नीड मटेरियल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर जनरेटेड एट द सन आर रीचिंग अर्थ एंड दे डू नॉट नीड एनी नॉन मटेरियल मीडियम ऑन द वे। हम ऐसा कोई मीडियम नहीं जानते हैं सन और अर्थ के बीच में जिसके कारण ये वेव्स चलकर आए। सो हमने डेफिनेशन बना दी दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच कैन ट्रेवल विदाउट ए मीडियम। तो कैटेगराइजेशन, मटेरियल वेव एंड नॉन मटेरियल वेव, नॉन मटेरियल वेव विच डू नॉट नीड मटेरियल टू ट्रेवल, एंड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड। अभी तक मैंने आपको बताया, पानी में पत्थर फेंका, पानी वाइब्रेट हुआ, वाटर वेव्स। गैले के लैरिंग्स में मैंने वाइब्रेशन किया, एयर का साउंड पैदा हुआ, साउंड वेव्स। तो ये तीसरी तरह की वेव कौन पैदा करता है, इसके लिए हम शुरू करते हैं कि वेव पैदा कौन करेगा और इस वेव में होता क्या है। तो पहले दूसरा पार्ट में लेता हूं कि इसमें होता क्या है। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों हम स्टडी कर चुके हैं। इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रखता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग जाता है, दैट शोज देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं एक चार्ज को यहां भेजता हूं तो चार्ज ऐसे गोल घूमता है, दैट शोज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। थोड़ी देर में यहां पर ये एक्शन हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, फिर थोड़ी देर में हमने देखा ये एक्शन यहां भी हो रहा है, फिर थोड़ी देर में ये एक्शन यहां भी हो रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पर थे फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो व्हाट ट्रेवल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे ट्रेवल। हाउ आर दीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? आर दे स्टेशनरी और आर दे चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड? आर दे चेंजिंग इन डायरेक्शन? व्हाट टाइप ऑफ फील्ड दे आर? आंसर इज दे आर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए पर्टिकुलर पोलैरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा है, ये उस समय यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे छोटा है, कम है इस लोकेशन पर, यहां पर और छोटा है और यहां पर जीरो है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बड़ा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बड़ा। यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन रख के देखा चार्ज, उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगता है, यहां 3 न्यूटन लगता है, यहां 1 न्यूटन लगता है, यहां 0 लगता है। दैट शोज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं, इसी लोकेशन की बात कर रहा हूं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब मैं ये देखता हूं कि बी पर जो कि पहले क्या था, ये था 5 3 2
0, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 5। अभी थोड़ी देर बाद हम B में क्या देखते हैं, B में आ गया 5, यहां पर आ गया 3, यहां आ गया 2, यहां आ गया इसके नीचे 0, और ये ऐसा आ गया। तो ये जो लोकेशन थी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जीरो हो गई। जीरो वाली कैसी हो गई? मैक्सिमम वाली कैसी हो गई? जीरो। थोड़ी देर बाद ये डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया। व्हाट इज हैपनिंग? द डिस्टरबेंस इन द शेप ऑफ ऑसिलेशन इज ट्रेवलिंग एंड इट इज कैरिंग एनर्जी विद इट। दिस इज इलेक्ट्रिकल वेव, ठीक है। और ये जो ट्रेवल करती है, ट्रेवल करने के लिए इसको एक स्पेशल फीचर चाहिए, दैट दिस शुड बी ऑसिलेटिंग ओनली, देन ओनली इट कैन ट्रेवल, अदरवाइज इट कैन नॉट ट्रेवल। क्यों? इसका रीजन है, वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स, देयर आर चेंजेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखिए, अभी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। अभी कितना हो गया? 5। थोड़ी देर बाद फिर ये क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? -5। ये ऐसा ये आगे बढ़ती है। तो इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्लस 5, 0 माइनस 5, 0 प्लस 5, ये है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा मैक्सवेल इक्वेशंस को याद करिए। मैक्सवेल इक्वेशंस हमको क्या बताता था? एम्पियर्स लॉ में हमने देखा कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट में आपको याद आए, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन से मैक्सवेल इक्वेशन में आया? एरिया। ये डीई बाई डी टी किसको क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये पिछले लेसन में हो गया। अब देखिए, ये हमने एक चीज पढ़ी है, दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बताता है? दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव मैग्नेटिक बाय डी टी। ये जो पोटेंशियल है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई डी एल। पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। दिस इज इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी। फाइव क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू ए। ये हमको क्या बताता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें क्या बताता है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया तो ये क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हम? तो आंसर है कि एक डायपोल लीजिए या दो चार्जेस लीजिए, डायपोल नहीं, दो चार्जेस प्लस माइनस, और ये उनका डिस्टेंस है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और ये डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल गई, राइट। फिर से डिस्टेंस को कम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम वेरी वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक। चार्ज क्या कर रहा है? ऑसिलेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? ऑसिलेट, दैट इज वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन किससे पैदा होते हैं? बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो शुरू करते हैं, एक चार्ज के पेयर को हमने ऑसिलेट कराया, चार्ज को ऑसिलेट कराया, उसने क्या जनरेट किया? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो क्या बनाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेशन इज ए एक्सेलरेटेड मोशन, तो
उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। चूंकि उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अलग अलग बनेगी। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर मैग्नेटिक फील्ड कम बना, फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो बना, फिर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बना, फिर मैग्नेटिक फील्ड कम बना। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा? ऑसिलेटिंग। खड़ा हुआ एक वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इस तरह से हम जब चार्ज को एक्सेलरेट कराएंगे, चार्ज को वाइब्रेट कराएंगे, चार्ज को ऑसिलेट कराएंगे, उस एक्सेलरेटेड मोशन के कारण एक वेरिएबल ई बनेगा स्पेस में। वो वेरिएबल ई एक वेरिएबल बी बनाएगा पक्का। और हमको ये भी मालूम है कि जब कभी वेरिएबल बी बनेगा वो फिर क्या बनाएगा? ई। वो एक वेरिएबल ई बनाएगा, तो पहले वाला ई। तो अब ये हुआ कि पहले वाले ई ने क्या बनाया? बी। उस वेरिएबल बी ने क्या बनाया? दूसरा वेरिएबल ई। और दूसरे वेरिएबल ई ने फिर क्या बनाया? दूसरा वेरिएबल बी। उस दूसरे वेरिएबल बी ने तीसरा वेरिएबल ई। पहला यहां ई बना, इसने बी बनाया। अब डायरेक्शन की बात देखिए। जब हम एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे थे या मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे तो हमने एक राइट हैंड पाम रूल लिया था। ये अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो ये डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायरेक्शन ऊपर और इसकी डायरेक्शन ऐसे, इधर से इधर। इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर बनता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके राइट एंगल पर ही बनता है। ये समझ आया? इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था ये रूल। ये क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या पैदा हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो होती है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? राइट एंगल। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बनाएगा? एट द राइट एंगल। अब हम लोग इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम उसको इमेजिन कर सके। किस तरह से इमेजिन करते हैं? देखिए, यहां पर एक चार्ज को हमने ऐसे वाइब्रेट कराया। ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस पहले ऐसे आए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे आए, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहां पर जीरो, फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस और माइनस के बीच में, देखिए ये हम खाली इमेजिन करते हैं, हमने सोचा नहीं है, कहां से स्टार्ट होती है? प्लस से। और इलेक्ट्रिक लाइंस कहां टर्मिनेट होती है? माइनस। तो ये प्लस से माइनस कुछ नहीं, थोड़ी देर में ये प्लस यहां पहुंचा, माइनस यहां पहुंचा, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब यहां तो जगह नहीं थी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना, प्लस से माइनस, फिर ये और दूर गया, प्लस माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना, फिर प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना, ऐसा। अब वाइब्रेशन खत्म। ये अब ये ऐसे वापस आते, फिर ऐसे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो अब ये वापस आते। तो ये यहां से वापस आया, ये यहां से वापस आया, और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से यहां से चेंज होने शुरू हो गए। तो देखिए ये नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो इस जगह पर नहीं बना, इससे नेक्स्ट बना। तो यहां से यहां ये 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 जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यही लिमिटेड था यहां तक चला गया, जगह कवर की उसने,
ओके अब ये फिर वापस आ गया, वापस आ गया तो ये लूप कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद प्लस नीचे गया माइनस ऊपर गया तो एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब वो जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी? ऐसे। अब जब प्लस नीचे जाएगा और माइनस ऊपर जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? ऐसा ऊपर की तरफ। ये यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। अब जब प्लस नीचे जा रहा है माइनस ऊपर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनना शुरू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करता है, पुश करता है तो ये और आगे चला जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ गया। ये है आगे बढ़ने की प्रोसेस। लेकिन दो तीन प्रोसेस इकट्ठी होती है इसमें। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है, तुरंत वेरी होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। तो ये यहां पर ये ऐसा शुरू हुए और फिर जब ये वापस आते हैं तो ये इस तरह से, तो पहले ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड गया, फिर उसके बाद ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड गया, ये फिर वाइब्रेट होगा तो तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, फिर होगा चौथा जाएगा और हर इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करता जाएगा, आगे बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मान लीजिए ये चार्ज वाइब्रेट होना बंद हो गया। अगर ये चार्ज वाइब्रेट होना बंद हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ने से रुक जाएंगे? और यही इसकी स्पेशलिटी है कि ये रुकते नहीं। अगर रुकते नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या प्रोसेस है इसके आगे बढ़ने की, वो देखिए। इसने जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाया तो उसको मैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करता हूं। इस ये जीरो, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हुआ छोटा हुआ। ठीक जब ये ऐसा हो रहा होता है तो ये अपने राइट एंगल पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। ये ऐसा बना हुआ है और ये वाला ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो इसने अपने राइट एंगल पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड पहले कम होता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, इस टाइम पे मैक्सिमम है और उसके बाद फिर से इस लोकेशन पर मिनिमम है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जब वेरिएशन होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है तो ये क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? वेरिएबल, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सीलरेटेड है, इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ती है और फिर तेजी से कम होती है। तो ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब ये धीरे धीरे बढ़ता है छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब तेजी से बढ़ता है तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? अब यहां पर जगह नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड अपने राइट एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ये इस लोकेशन पर, इससे इसकी डायरेक्शन कैसी है? 90 डिग्री। फिर से ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन है, इसने अपने नीचे क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन। ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हुआ तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यहां तो नहीं बनाएगा, इसने यहां बनाया। ये नेक्स्ट इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया ये अपने राइट एंगल पे, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अपने राइट एंगल पे, इसने मैग्नेटिक फील्ड फिर से बनाया पहली वाली सिचुएशन ऐसे, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया नेक्स्ट ऐसे। इस तरह से एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये बनाया यहां से यहां, इसने ये बनाया और इसने फिर अपने राइट एंगल पर ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया।
ये उल्टी डायरेक्शन का बी नॉट फिर ई बनाएगा, तो इसने फिर ऐसा ई बनाया, वो ई यहां पर इसने बनाया। ओके, इस डायग्राम को हम थोड़ा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ने ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर से नीचे में मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। तो इस तरह से ये यहां से यहां ये हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ते चले जाते और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके राइट एंगल पर आगे जाते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसे नजर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऐसे नजर आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम, और ठीक इसी टाइम पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कहां पर नजर आएंगे, तो आंसर है इसके राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड बने हुए होंगे, ये एस, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाइट वाले क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्लू वाले मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक साथ बनते हैं, जैसे ही ये बनता है विदाउट डिले मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही ये सर्कल पूरा करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस तरह से ये इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अब ये उस चार्ज को पूछ भी नहीं रहे हैं जिसने इसको बनाया था, यानी आगे बढ़ने के लिए अब इनका चार्ज का डिपेंडेंस खत्म हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी से जो पहली बार इनको मिल गई उससे ये वेव्स आगे बढ़ते जाती हैं, एक दूसरे को बनाती हैं, इनको हमको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, पुश करने का काम कौन करता है, ये खुद करती है, इनका वेरिएशन करता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएशन ऑफ, ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक चार्ज है क्यू, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कौन सा फील्ड बनाता है ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह पर खड़ा रहता है, ये कहीं जा नहीं रहा है, चार्ज अपनी जगह पर खड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी जगह पर खड़ा है। सो ए स्टेशनरी चार्ज क्रिएट ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टेशनरी, स्टेशनरी ए मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होता है, स्टेशनरी, यानी यहां पर अगर करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड यही बना हुआ है, कहीं जाता नहीं। हमने एक कॉयल ली और इस कॉयल में करंट फ्लो कराई, तो इसने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, इसमें करंट फ्लो हो रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इसके अंदर बन गया, यही रहेगा। सो फिर से स्टेशनरी चार्ज क्या क्रिएट करता है, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मूविंग चार्ज क्रिएट्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज की तीसरी स्टेट, पहले खड़ा था फिर हमने क्या किया, उसको चलाया, वेलोसिटी दी,
अब हम उसको वेलोसिटी को हर सेकंड में डबल करते जाते हैं। पहले वेलोसिटी v थी, फिर वेलोसिटी 2v, फिर 3v, फिर 4v. व्हाट इज दैट नोन इन काइनेमेटिक्स? एक्सेलरेशन। तो हमने उस चार्ज को क्या किया? एक्सेलरेशन किया, v पर v जोड़ते चला गया। अब वो क्या बनाएगा? इंडिपेंडेंट चार्ज को मूव कर दे। ये इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल, इसको हमने ऐसे मूव किया। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा अपने चारों तरफ। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। सो ए मूविंग चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बट दोज आर स्टेशन विद द चार्ज। चार्ज के रिस्पेक्ट में उसको छोड़कर वो कहीं जाएंगे नहीं, वहीं रहेंगे, चार्ज के पास ही रहेंगे। लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज की तीसरी स्टेट हमने क्या की? एक्सेलरेट किया। एक वेलोसिटी, डबल वेलोसिटी, ट्रिपल वेलोसिटी। अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज भी बना रहा है, मैग्नेटिक चार्ज भी बना रहा है, और इतनी स्पीड से बनाता है कि एक दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज भी बनाएगा। क्यों? स्पीड हमने डबल कर दी, स्पीड ट्रिपल कर दी, एक तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो पहले दोनों कहां जाएंगे? पुश करेगा, आगे चले जाएंगे। और हमने उसकी स्पीड कम ज्यादा की तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो चलने शुरू हो जाते हैं, मूव करने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए हमको चार्ज को किस स्टेज में लाना पड़ता है? एक्सिलरेटेड वाली स्टेज में लाना पड़ता है। सो व्हाट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एन एक्सिलरेटेड चार्ज। दूसरे शब्दों में ऑसिलेटिंग चार्ज, क्योंकि ऑसिलेशन क्या है? एक्सेलरेशन, राइट? तो इसको हम नोट कर लेते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन एक्सेलरेटेड चार्ज। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, an accelerated charge. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंटेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये उसके कंटेंट्स होते हैं। व्हाट इज कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आंसर, एनर्जी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? यही चीज, दैट इट कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। दिस इज, तो ये जो थोड़े से फीचर्स हैं, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन एनर्जी कैरी करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? एक जैसे या बदलते हुए? बदलते हुए, वेरिंग। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड वेरिंग? क्योंकि अगर वो वेरिंग नहीं होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या जरूरी है? वेरिंग, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये रहा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा कम। सो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये हमने क्या लिख लिया? उनका सोर्स। और प्रोसेस आपने देख ली, एक के बाद एक बनती जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है? थोड़ी देर बाद हमको इनके सोर्स की जरूरत नहीं है, तो उस चीज को भी लिख लेते हैं, दैट दीज आर ऑटोनॉमस।
या इसी के लिए वर्ड है सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद ही एक दूसरे को वो क्रिएट करते हैं और उनको सोर्स यानी चार्ज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वेव्स की स्पेशलिटी, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसमें। वेव्स हमने दो तरह की पढ़ी है, एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्सल नेचर की होती है। शुरू में बहुत सालों तक इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मानते थे, जैसे कि साउंड वेव्स होती। बाद में मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन बनाकर मैथमेटिकल दिखाया कि इसका ओरिएंटेशन जो है वो ट्रांसवर्सल से मैच करता है, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, इसलिए ये ट्रांसवर्सल होती है। क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना सकते हैं लैब में? आंसर इज यस, बना सकते हैं। सबसे पहले हर्ट्ज ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई थी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके। ये इसको जब हम चार्ज दे के छोड़ देते हैं तो यहां पर कौन सा फील्ड बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड खाली हो जाएगा और ये पूरी एनर्जी अपनी किसको दे देता है? यहां पर करंट फ्लो करा के, और उसके बाद यहां पर क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बन गया। फिर इस मैग्नेटिक एनर्जी के कारण यहां क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में, और फिर उससे क्या बनता है उल्टी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला जो सर्किट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, ऑसिलेटिंग सर्किट, समझ गए? और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको स्पेस में प्रोपेगेट करनी है तो हम यहाँ पर एक एंटीना लगा देते। इस एंटीना से यहाँ पर चार्ज वाइब्रेट करते हैं और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आगे बढ़ते जाती है। ये सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में यही चीजें थी। उनको चाहिए था एक बड़ा सा कैपेसिटर और एक बड़ा सा इंडक्टर जिसमें बहुत सी एनर्जी स्टोर करके रखी जा सके। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंडक्टर लिया, दैट इज इंडक्शन कॉयल। ये एक इंडक्शन कॉयल उन्होंने बनाई और उसके कनेक्शन कर दिए, और इसके साथ चार्ज को कैरी करने के लिए, और चार्ज यहां पर उन्होंने बड़े बड़े गोले लगाए। क्यों? इनमें कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, और यहां पर एक छोटे छोटे दो गोले लगाए। यहां से बैटरीज उन्होंने लगाई, ये, और ये बैटरी लगाकर यहां से स्विच ऑन किया। ये स्कीम बनाया हुआ डायग्राम है। तो यहां से जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं इसमें करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है और इनमें दोनों में चार्ज भरते चले जाते हैं, जैसा हमने वहां देखा। जब इन दोनों में फुल चार्ज आ जाएगा, वोल्टेज बहुत इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनती है वो वोल्टेज बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि हमने इंडक्टेंस में पढ़ा है दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डीआई बाय डीटी। ई किस पर डिपेंड करता है? इंडक्टेंस की वैल्यू पर, और ये इंडक्टेंस हमने बहुत बड़ा बनाया। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा रखे, एरिया बड़ा रखा, तो इंडक्टेंस की बहुत वैल्यू है। तो जैसे ही हम इसको स्विच ऑन ऑफ करते हैं
एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और ये इसकी वैल्यू कैसी होगी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने एल बहुत बड़ा रखा है। हम लोग इससे 1000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 10000 वोल्ट इसके अक्रॉस तैयार कर लेते, तो यहाँ कितना पहुँच गया? 10000 वोल्ट। उसके बाद इस बैटरी की एनर्जी के कारण इसमें चार्ज भी बहुत भर जाता है, तो ये हाई वोल्टेज हमको देता है, हाई वोल्टेज। और ये दोनों बड़े बड़े जो स्फीयर लगे हुए हैं, ये हमको क्या देते हैं? लार्ज कैपेसिटी, लार्ज कैपेसिटी। तो जब इसका वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? dr छोटा सा है और dv बहुत हाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि वहां पर एयर आयोनाइज हो जाती है। जब एयर आयोनाइज होती है तो क्या होता है कि इसके पास प्लस है माइनस है, तो ये ऐसा जंप कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तोड़ के, ठीक है। तो जब ये चार्ज यहां से यहां जाएगा, तो ये वाला मोशन कौन सा मोशन है? फिर से एक फोर्स लगा, फोर्स, ये फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन है तो ई। अच्छा, फोर्स के कारण क्या पैदा होता है? आंसर है एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, इसने एक शर्त पूरी कर दी, दिस इज एक्सेलरेटेड चार्ज। तो यहां पर क्या आता है? एक एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है, हुआ। अब यहां कुछ हो रहा है, ऐसा चिट चिट आवाज आ रही है, तो हर्ट्ज ने क्या किया, इसके सामने कमरे में दूसरी तरफ उन्होंने एक डिवाइस रखी जिसका नाम दिया डिटेक्टर। उस डिवाइस में क्या था, इससे दूर उसमें भी दो गोले थे, ऐसे इतनी नजदीक नजदीक, ठीक है, ये और ये ऐसा जुड़े हुए। जैसे ही यहां से उनको चट की आवाज आती थी, वो क्या देखते थे कि यहां भी एक आवाज आई, यहां भी स्पार्क हुआ। अब यहां पर स्पार्क क्यों होगा? स्पार्क का रीजन हमको मालूम है, स्पार्क का रीजन क्या है? एक चार्ज का दूसरी जगह मूव करना। चार्ज मूव क्यों करेगा? उस पर क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स किसके कारण लगता है? ई के कारण। यानी यहां पर कौन आ गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। पहले तो चट चट नहीं हो रहा था, चार्ज नहीं जा रहा था, जैसे ही यहां से चट की आवाज आती है, तुरंत यहां से भी आवाज आती है। यानी यहां पर हमने क्या क्रिएट किया था? ई। ई की निशानी क्या है? डिस्चार्ज। और यहां जो डिस्चार्ज हुआ है, इसका मतलब यहां भी क्या क्रिएट हुआ है? ई। ये ई कहां से आ गया? उस कमरे में तो और कोई सोर्स नहीं है, यहां हमने चार्ज नहीं लगाया। तो जैसे ही हर्ट्ज ने यहां चार्ज क्रिएट किया, ई क्रिएट किया, उससे ये डिस्चार्ज हुआ, उसने देखा कि यहां पर भी एक चार्ज ऐसा जंप हुआ, यानी यहां कौन पहुंच गया? ई। और ये तभी पहुंचता है जब यहां डिस्चार्ज होता है। दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, इसका क्या मतलब है कि वहां से डिस्चार्ज होता है, यहां ई पैदा होता है। ई क्यों पैदा होगा? तो उन्होंने कल्पना कर ली कि हमने यहां ई बनाया था, चार्ज को एक्सेलरेट किया और वही ई चलकर यहां पर आया। उसके बाद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, जैसे इधर का गैप ऐसा है तो ये गैप को भी ऐसा रखते हैं तो चट चट बचता है, इसको ऐसा कर दिया नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि ये ई ऐसा बनाता है तो ये भी ई ऐसा बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा, और अगर ऐसा कर देंगे तो ई ऐसा बना तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं चल सकता, आवाज आनी बंद हो गई,
इससे और हमको समझ में आया कि ओरिएंटेशन एक ही रहता है, जो डायग्राम हमने बनाया ई हमेशा ऐसा चलेगा, उसका ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा, और अगर हमने चार्ज को ऐसा चलाया तो ई ऐसा चलेगा। इसी तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इसको निकाला और ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर सकता है। जितनी जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं उतनी जल्दी जल्दी ये भी होता है। क्यों होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा तभी तो होगा। सो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने हमको प्रूफ करके बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर सकता है और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंसेप्ट था वो और प्रूफ हो गया। इसी तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके लिए हमने यहां पर एक कॉइल रखी है। जब हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजते हैं तो क्या देखते हैं? इस कॉइल के अक्रॉस भी वोल्टेज आ जाती है। क्यों आएगी वोल्टेज? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वोल्टेज आएगी, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही क्या बनाता है। देखिए फिर से, ये एक कॉइल है, जनरेटर में हमने पढ़ा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कितना टच हो रहा है? जीरो। अभी कितना टच हो गया? प्लस बी नॉट। अब कितना हो गया? जीरो माइनस बी नॉट, जीरो प्लस बी नॉट माइनस जीरो बी नॉट। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इस कॉइल में ईएमएफ पैदा हुआ, वोल्टेज पैदा हुई। इसी को अब हमने उल्टा कर दिया, कॉइल को खड़ा कर दिया, कॉइल खड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करते गए। कैसे? बी नॉट जीरो माइनस बी नॉट जीरो प्लस बी नॉट जीरो, तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा? ईएमएफ। पर्पस क्या था? तरीका क्या है? एक कॉइल और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। भले हम फील्ड को फिक्स करके इसको चेंज करें, भले इसको फिक्स करके फील्ड को चेंज करें, ईएमएफ पैदा होगा। अब यहां पर हमने एक कॉइल को रखा और उधर यहां पर इसको स्पार्क को दिया, तो क्या देखा कि उस कॉइल के दोनों सिरों में ईएमएफ आ गया। कॉइल में दोनों एंड में ईएमएफ कब आता है? जब उसको एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ये हमने जनरेटर में देखा। इसका मतलब यहां से और कौन चलकर आया है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चलकर आया। तो ये हमको बताता है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रेवल करता है और साथ में कौन आ रहा है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। और अब हमने, मैक्सवेल ने हमको बताया अपने दोनों इक्वेशन से कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और दोनों ऑटोनॉमस सेल्फ सर्विंग एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते। इस तरह से हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक माइलस्टोन था जिसने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लैब में बन सकती हैं। तो उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई। अब हमको मालूम है कि हर वेव में एक वेवलेंथ होती है, इसमें भी कुछ वेवलेंथ रही होगी उन्होंने बनाई। जितनी वेवलेंथ छोटी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी निकाली गई एंड दैट वेलोसिटी कैलकुलेट भी की गई दोनों तरह से। लैब में हमने उसकी वेलोसिटी निकाली, दैट कम्स टू 3×10⁸। मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन से उसकी वेलोसिटी निकाली, दैट ऑल्सो कम्स टू 3×10⁸। उससे ये प्रूफ हुआ कि उनके इक्वेशंस करेक्ट है। ठीक है, ये एक चीज उससे प्रूफ हुई। लेकिन उस वेलोसिटी में ये अगर हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द वेवलेंथ। ओके, ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी गिव्स द वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी गिव्स द वेवलेंथ। तो इनकी वेवलेंथ नापने के हमारे पास बहुत तरीके थे। तो शुरू में इससे या अपने एलसी सर्किट से जो हमने वेव्स बनाई उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी,
और उस समय साइंटिस्ट में ये कंपटीशन चलता था कि हम अपनी लैब में कितनी ज्यादा पावरफुल यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ्स बना सकते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स बना सकते हैं। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मीन्स वेवलेंथ शॉर्ट, तो शॉर्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ बनाने का एक कंपटीशन होता था। इंडिया में भी कंपटीशन इंडिया में भी बनाए जाते थे। तो हमारे यहाँ एक अचीवमेंट हुआ था कि जगदीश चंद्र बोस ने हर्ट्ज के करीब 7 साल बाद जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाए और वो उनकी वेवलेंथ थी बहुत छोटी थी, 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, इतनी छोटी लेंथ की वेव्स बनाई। छोटी लेंथ का मतलब क्या होता है? ज्यादा पावरफुल। तो इतनी पावरफुल बनाई लेकिन, और वो वेवलेंथ सॉरी वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी वो इतनी सफिशिएंट थी, इतनी पावरफुल थी कि किसी एंटीना में जाकर जब वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देती तो उसका इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता। उस इलेक्ट्रॉन को जो ऑसिलेट करता हम एक सर्किट में डालकर उसे रेडियो बना सकते थे। इतनी छोटी और इतनी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन्होंने बनाई, पर उनका वेस्ट के साथ ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। उन्होंने पेपर्स लिखकर भेजे, वो पेपर्स वहाँ मिले नहीं या उनको कंसीडर नहीं किया गया। और इसी बीच गुगलिमो मार्कोनी ने भी वेव्स बनाई और वो वेव से उसने रेडियो का आविष्कार किया। उस वेव्स को एंटीना, एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक वो गई और यहाँ एंटीना में जाके ये वाले सर्किट में इसने इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया, करंट फ्लो हुई, उस करंट से स्पीकर चला, दैट बिकम्स द रेडियो। तो उसका जो श्रेय मिला मार्कोनी को मिला। बट एट ए टाइम देर वेर सो मेनी साइंटिस्ट वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अभी अभी एक दो महीना पहले ही एक जर्नल में आया है दैट इट वॉज नॉट द मार्कोनी हु वॉज फर्स्ट टू मेक द रेडियो। उस समय दूसरे लोग भी बना चुके थे, पर हो सकता है मार्कोनी ने रजिस्टर्ड पहले कराया, पेटेंट पहले कराया। और मार्कोनी से भी 6 महीना पहले एक इंडियन जगदीश चंद्र बसु ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना ली थी उस लेवल की। ओके, सो दिस वॉज अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसके क्या इक्वेशन होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, कितनी एनर्जी कैरी करती हैं और कितने तरह के इसके सोर्स हैं, कैसे इसका नोमेनक्लेचर है और इस पूरी दुनिया में इसका क्या इफेक्ट है, ये सब अब हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।